ये वीडियो में मैं एक टी लाइट को असेंबल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे कंपोनेंट है। ये जो देख रहे हैं इसका एमसीपीसी और ये जो है इसका ड्राइवर है, और ये इसके साथ वायर मिल जाता है। जो इस वायर को ड्राइवर में, ये दोनों वायर को हटा करके ये वायर को कनेक्ट करना है। और ये जो देख रहे हैं इस तरह से, ये तीन साइड में एक B22 कैप के लिए कैप है, जिसे रोटेट करने के लिए, और ये जो है अप डाउन करने के लिए, ये ट्यूब लाइट का जो हाउजिंग है इसमें ये सेट हो जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो बना हुआ है ये इसमें लॉक होता है, और जिसके कारण ये टी लाइट को इस तरह से रोटेट करेंगे। और ये इस तरह से रोटेट होने के बाद अगर चाहें तो इस तरह से मूव कराना, तो इस तरह से ये मूव हो जाएगा। और यहाँ पर इसका ड्राइवर का सेट दे दिया गया है, जहाँ पर ड्राइवर इसमें एडजस्ट होगा। और यहाँ पर जो हॉल देख रहे हैं, ये दोनों हॉल पर इस तरह से एमसीपीसी को बैठा लेना है। एमसीपीसी के बैक साइड में हीटसिंक कंपाउंड पेस्ट लगा दिया जाता है, ये इस तरह से बैठाने के लिए। और ये इसका डिफ्यूजर है, तो इसका यूज इस तरह से इसके ऊपर सेट करने के लिए करेंगे। तो चलिए ये बल्ब को कैसे असेंबल करना है वो आप देखेंगे। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मैं कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये जो एमसीपीसी है, ये एमसीपीसी में यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये प्लस है, ये माइनस है। तो इस तरह से एक एक एसएमडी को इस तरह से सीरीज कर दिया गया है। ये देखें बारीकी से, इधर एक साइड में करीब 26 SMD को सेट किया गया है, और इस साइड में भी 26 SMD को सेट किया गया है। तो यानी कि टोटल SMD जो है वो करीब 52 पीस है। तो एक एक SMD जो सीरीज किया गया है, ये देखें यहाँ से कनेक्शन जो आप देख पा रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव के लिए दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है, और ये दोनों के बीच में अटैच होना चाहिए। यहाँ पर एक SMD लगा दिया गया है। तो बारीकी से जो भी SMD को लगाया गया है वो सीरीज में लगाया गया है, और इस तरह से सीरीज में लगाते हुए यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये सीरीज में कर दिया गया है, और इस तरह से ये भी सीरीज में करते हुए यहाँ पर नेगेटिव पर चला आया है। और इस साइड से भी देखें कि यहाँ पर भी ये सीरीज में किया गया है, एक एक साइड से यहाँ तक, और इस साइड में भी ये सीरीज में कर दिया गया है। तो एक एक SMD को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव का कनेक्शन दे दिया गया है। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, जैसे कि ये प्लस है और माइनस, इन दोनों पर जब मैं कनेक्शन करूँगा तो ये LED जो है वो ग्लो करेगा। और अब देखें ये ड्राइवर का, तो ये जो ड्राइवर है, एक छोटे से ड्राइवर का इसमें यूज किया गया है। यहाँ कुछ कंपोनेंट देखें तो ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, ये IC है, और ये जो है छोटे छोटे ये इसका रजिस्टर है। और इस साइड में देखें तो ये इंडक्टर ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है, और ये एक कैपेसिटर है, ये एक फ्यूज के लिए दिया गया है। ये रजिस्टर ये फ्यूज के लिए वर्क करेगा, और ये एक कैपेसिटर दिया गया है, और यहाँ पर प्लस और माइनस का दो वायर कनेक्शन निकाल दिया गया है, और इस साइड में भी दो वायर का यूज किया गया है, जिससे लाइन को देंगे, एक न्यूट्रल के लिए एक लाइन के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं ये दोनों वायर का यूज करने वाला हूँ। ये देखें कि इसमें दो वायर है, एक न्यूट्रल एक लाइन के लिए, ये दोनों को मैं कनेक्ट इसमें कर दूंगा। और जैसे ही देखें कि इसका इस साइड से ये जो है ये इसमें कनेक्ट करना रहता है, तो चलिए इसको हम सेट करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये इसको पहले नहीं लगाना था, बट मैंने इसे लगा दिया। जब आप इस तरह से असेंबल करेंगे बल्ब को, तो इसके पहले नहीं लगाएं, ये सारे असेंबल करने के बाद। तो मैं सबसे पहले ये इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें ये दोनों वायर जो है इसमें इन करना है, तो ये दोनों वायर को मैं इस तरह से थोड़ा सा साइड कर लूँगा, और साइड करके फिर मैं बीच में हॉल में देखूँगा कि ये इन हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से ले लेना है और यहाँ पर इन करके देखें, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से इन हो जाए। तो मैं इसे इन कर, वायर जो है वो इन हो चुका है, तो ये वायर को मैं इस तरह से कर लेता हूँ। और करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर ये रिपीट को लॉक कर लूँगा, तो ये रिपीट को इस तरह से लॉक कर लें, और इस पर थोड़े से बार करें, या फिर इस तरह से प्रेस करके भी इन कर सकते हैं। और ये भी रिपीट को मैं अच्छे से इसमें सेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो चुका है। क्योंकि मैं इसके कवर में इस तरह से सेट करूँगा, तो इसे सेट करना है इसके इनसाइड में वायर करके, और इसे बिल्कुल अच्छे से दबा लेना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो अब देखें बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो चुका है, और अब इसमें इन कर लेना है, इसमें
इन करने के बाद ये क्लिप को मैं अच्छी तरीके से बैठा लूँगा। इसे थोड़ा सा प्रेस करके बैठाना रहता है, जैसे ही लोड देंगे ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। और जैसे कि देख रहे हैं कि दोनों साइड में बना हुआ है, वो भी बिल्कुल अच्छे से सेट होगा, ताकि ये टी लाइट जो है वो बिल्कुल अच्छे से रोटेट हो। तो अप डाउन कर सकते हैं इसे, और इसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये अप डाउन बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, और यहाँ से ये रोटेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट होने के बाद इसके वायर का कनेक्शन भी मैं करूँगा। और ये देखें B22 कैप भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं ये MCPC के बैक साइड देखें, और यहाँ देखें कि ये जो है ये ड्राइवर के कनेक्शन को मैं यहाँ से निकाल लूँगा, और निकालने के बाद इसके मेन वायर को कनेक्शन करूँगा। तो इस तरह से ये वायर जो पहले वाला था वायर, इसे मैं निकाल लिया हूँ। और निकालने के बाद अब मैं इस वायर को कनेक्ट करूँगा, एक न्यूट्रल के लिए, एक लाइन के लिए। तो इस तरह से वायर को लगाना है। लगाने के बाद इस तरह से सोल्डर करें, आसानी से वायर इन हो जाएगा। और दूसरा वायर भी जो है उसे मैं अच्छे से सोल्डर करूँगा। तो इस तरह से वायर को इन करना है। इन करने के बाद इसे मैं सोल्डर कर दिया, और ये देखें दोनों कनेक्शन बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। तो अब इसे मैं यहाँ पर इन कर लूँगा। इन करके ये ड्राइवर को बिल्कुल अच्छे से बैठा लूँगा, और ड्राइवर के वायर को ऊपर रखूँगा। और अब मैं MCPC को भी सेट करूँगा। इसमें सेट करने के लिए एक छोटे से टेप का मैं यूज करूँगा, ताकि कोई भी कंपोनेंट जो है वो MCPC से टच ना हो, क्योंकि अगर टच हो जाएगा तो ड्राइवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटे से टेप का यूज करने वाला हूँ, ताकि कोई कंपोनेंट जो है वो MCPC से टच ना हो। तो अब देखें कि इस तरह से यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर टेप को बैठा लूँगा इसके ड्राइवर के ऊपर, ताकि कोई भी कंपोनेंट जो है वो MCPC के बैक साइड से टच ना हो, इसलिए मैं इसे लगा लिया हूँ। और अब मैं ये MCPC देख रहे हैं, इसके बैक साइड में एक छोटे से ये कंपाउंड पेस्ट है, ये सिलिकॉन कंपाउंड पेस्ट है, जिसका मैं यूज इसके बैक साइड में करने वाला हूँ। तो हल्के हल्के लगा करके इसके बाद मैं बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से देना है और अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से, देखें क्या कि मैं इस पर सिलिकॉन कंपाउंड पेस्ट लगा लिया हूँ, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और ये लगाने के बाद अब मैं इसमें इन कर लेता हूँ ये दोनों वायर को। तो ये वायर को इन करना है, और ये ड्राइवर को इन कर देना है, ये बिल्कुल इन हो जाए। तो फिर इस तरह से लॉक कर दें, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें कि स्क्रूप जो है, ये छोटे से स्क्रूप का मैं यहाँ पर यूज करूँगा, और इस तरह से इसे टाइट कर लूँगा। इसके बैक साइड में देखें कि यहाँ पर स्क्रूप टाइट करने के लिए दिया गया है, इसे अच्छी तरीके से टाइट करें। तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह से टाइट कर लेता हूँ। दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लिया, और ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब बारी आया यहाँ कनेक्शन करने का, तो मैं यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ। ये ज़रा सा पेस्ट लगा लेना है ये दोनों साइड में, इस तरह से पेस्ट लगा करके ये वायर का कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। जैसे कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का कनेक्शन यहाँ करूँगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का कनेक्शन यहाँ पर। और ये वायर को जैसे ही मैं, तो अब देखें कि ये जो बल्ब है ये बिल्कुल ही ग्लो कर रहा है, इसकी रोशनी भी देख सकते हैं काफ़ी है।
तो ये बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो चुका है और ये बल्ब जो है बिल्कुल अच्छे से असेंबल भी हो चुका है। तो ये देखें कि ये बल्ब जो है बिल्कुल अच्छे से असेंबल होने के बाद ये बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। इस तरह से लगाने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से वर्क भी कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।